आलू परवल की सब्जी आपने कई बार खाई होगी, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। दो की जगह चार रोटियां खा जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं आलू और परवल की बहुत ही आसान सी सब्जी, और ये बहुत ही जल्दी बन करके भी तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर परवल लिया है, जिसे कि हम इस तरह से छील ले रहे हैं, और इसके दोनों साइड्स को हमें इस तरह से काट लेना है। इसे धो करके अब हम इसे काट लेते हैं। अगर परवल में मोटे बीज है, पीले रंग के बीज हो चुके हैं, तो इसे आप निकाल लें, उसके बाद आप इसे काटें। फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप परवल की सब्जी बनाएंगे तो ये आपके उस बहुत ही पसंद आने वाली है, तो एक बार से ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और आप किस शेयर से इस वीडियो को देख रहे हैं आप चाहे तो कॉमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको थैंक यू कह सकूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने परवल को काट लिया है, अब हमने यहाँ पे दो आलू को भी साथ में काट लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी डाल लेते हैं। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप सब्जी बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, और इस तरह के बनाने से सब्जी बहुत ही आसान से और जल्दी से बन जाती है। तो अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है बहुत ही जल्दी में बनाना है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सब मसाले जो है सब्जी में अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म किया है, तो अब सारी सब्जियों को हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। जब हम आलू परवल को इस तरह से फ्राई करके सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक इसमें हल्का सा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी देर में हमारी सब्जी जो है वो हल्की भून चुकी है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्रेशर कुकर में जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हम थोड़ा ऑयल और डाल लेते हैं। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच जीरा डाल लिया है, एक तेज पत्ता डालेंगे, 2 लौंग डाल लेते हैं, दालचीनी डालेंगे, और यहाँ पे मैंने एक कुटी हुई इलायची ले ली है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अभी इन सबको हम हल्का सा भून लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज डाल लिया है, इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। यहाँ हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक डाल लेते हैं, और थोड़े से लहसुन, इन सबको हमने पीस करके इसका पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। यहाँ प्याज भी हल्के हमारे भून चुके हैं, तो चलिए इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें मसाले डाल स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम भून लेते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाली, जिसे कि हाथ में क्रश करके अच्छी तरह से डाल लें, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आए। तो चलिए इन सबको हमने भून लिया है, अब हम इसमें सब्जियों को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आलू और परवल को हमने डाल लिया है, अब इसे हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम पानी डाल लेते हैं, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला करके प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब आप इसे 1 सीटी हाई फ्लेम पर आने दें, और ये हमारी सब्जी तैयार है। तो इसमें हमने धनिया पत्ता डाल करके इसे मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आलू परवल की सब्जी बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।